नमस्ते, स्वागत है आपका ट्रेंडिंग ऑफ दिस वीक के नए एपिसोड में। और आज भी हमारे पास कई सारे टॉपिक्स हैं जिनके ऊपर अपन एक एक करके बात करेंगे। तो हम वीडियो की शुरुआत करेंगे सौरभ जोशी वाली कंट्रोवर्सी से। जिनको कॉन्टेक्स्ट नहीं पता उन्हें थोड़ा सा कॉन्टेक्स्ट देता हूँ। आज से कुछ दिन पहले हमारे सौरभ भाई गए थे पुलिस वालों के पास। क्यों गए थे? क्योंकि पुलिस ने उन्हें इनवाइट किया था कोलैबोरेशन के लिए। क्या कोलैबोरेशन था? वही वुमन अवेयरनेस को लेकर कुछ चर्चाएं थी जो उनके साथ वो करना चाहते थे, इंटरनेट पे लाना चाहते थे। वे सौरभ भाई उनसे मिलने गए थे और एक वीडियो भी डाली उन्होंने अपने यूट्यूब चैनल पे। अब क्या हुआ, उसी वीडियो में जो वीडियो उन्होंने डाली उसमें उन्होंने एक ब्लंडर कर दिया। भारी मिस्टेक हो गया सर, एकदम ब्लंडर हो गया। वीडियो के बीच में उन्होंने एक बात कही थी जो कि एक स्टेटमेंट बन गया जो कि काफी ज्यादा वायरल हो गया। अब जिनको नहीं पता वो डायरेक्ट सुन सकते हैं, मैं क्लिप चला देता हूँ। बिकॉज मेरी वीडियोस के थ्रू लोग उत्तराखंड को जान रहे हैं, लोग हल्द्वानी को जान रहे हैं। हल्द्वानी को पहले कोई नहीं जानता था, लेकिन हल्द्वानी को अब हर कोई जान रहा है। ट्रेंडिंग में रोज हल्द्वानी रह रहा है, उत्तराखंड रह रहा है, हमारा इंडिया रह रहा है। अब देखो, आई नो कि ये जो स्टेटमेंट सौरभ भाई ने दिया है टोटली बचकाना, और इसके चक्कर में इनको हेट भी मिल रहा था। और जैसे हेट मिला हमारे सौरभ ने भाई सॉरी वॉरी बोल दिया, अपोलॉजी डाल दी। बस मैंने ये बोला था, मेरा ये मतलब मेरी वजह से जानते हैं। तो हाँ, ये एक मिसअंडरस्टैंडिंग हो गई थी, अगर किसी को फिर बुरा लगा तो मेरी तरफ से सॉरी। अब देखो, मैं क्लियर बात बोलूँ ना, तो ये मैं सौरभ के इस स्टेटमेंट को इतना बड़ा नहीं मानता कि मैं उसको एक्सप्लेनेशन दूं या फिर जस्टिफिकेशन दूं। क्योंकि मुझे क्या दुनिया में किसी को बताने की जरूरत नहीं कि उत्तराखंड क्या है। वहां बाबा केदारनाथ से लेके बाबा बद्रीनाथ, यमुनोत्री, गंगोत्री, और अगर हम लीजेंड्स की बात करें तो भैया हमारे बिपिन रावत सर, मतलब मैं अगर एक्सप्लेन करने या फिर बताने बैठूंगा ना तो वीडियो 2-3 घंटे का बन जाएगा सीरियसली। तो उत्तराखंड ने हमको क्या दिया है और उत्तराखंड में क्या क्या है ये बताने की मुझे शायद जरूरत नहीं है। तो भैया पॉइंट इज दैट, ज्यादा समझाने की जरूरत नहीं है। आई नो सौरभ ने एकदम बचकाना स्टेटमेंट दिया जिसके बाद उसे हेट मिला। इनफैक्ट लोग तो उसे वास्को डी गामा से भी कंपेयर करने लग गए थे। हालांकि वास्को डी गामा ने इंडिया को कैसे खोजा, मैं डेडिकेटेड एक वीडियो के ऊपर बनाना चाहता हूं। मतलब अगर आज की डेट में भी कुछ बच्चे अगर ये समझते हैं ना कि इंडिया की खोज हुई थी, तो मतलब क्या तुम्हारा माइंडसेट है भैया? मतलब तुम्हारे सीरियसली पढ़ने की जरूरत है तुमको। और अगर तुम्हारे पास टाइम नहीं है पढ़ने का तो बेफिक्र रहो, आने वाले टाइम पे मैं जरूर एक्सप्लेन करूंगा कि इंडिया की कोई खोज नहीं हुई है। ठीक है, ये कोई ग्रह वह नहीं है जो अलग दुनिया में घूम रहा हो जिसके बारे में पता कर लिया गया। मतलब ये तो खैर एक बहुत अलग बहस का मुद्दा हो जाएगा। तो पॉइंट इज दैट हम सब जानते हैं बचकाना स्टेटमेंट था, जस्टिफिकेशन देने से कोई मतलब नहीं है और ना ही देना चाहिए। ना अगर आप उत्तराखंड के और पहली बार इस कंट्रोवर्सी से रूबरू हुए हैं कि आपके बारे में ऐसा किसी ने पहली बार कहा है, तो मैं आपको थोड़ा सा पास्ट में लेके जाना चाहूंगा भाई। आज से लगभग 1 साल पहले एक और मेरा दोस्त है यूके राइडर 07 करके, उसके ऊपर एक बंदे ने डिस बनाया था। हाल फिलहाल उसने डिलीट कर दिया अपने चैनल से, और उस डिस का नाम था यूके। अब जो लोग मुझे पहले से देख रहे हैं उनको पता होगा कि मैंने इसके ऊपर एक डेडिकेटेड वीडियो बनाया था। इनफैक्ट मैंने नहीं, लक्ष्य ने, एलविश ने, सब लोगों ने इसके ऊपर एक डेडिकेटेड वीडियो बनाया था। वो बंदा अपने डिस ट्रैक में, एक्चुअली उसका नाम था मलिच का, तो वो बंदा, सॉरी यार मैं नाम भी नहीं लेना चाहता था उसका, मैं नाम बीप कर दूंगा। खैर, तुम्हें क्या बताने वाला था, हाँ, वो बंदा अपने डिस में कंटिन्यू जेके वर्सेस यूके कर रहा था, बार बार यूके को गाली दे रहा था। और उसके कमेंट सेक्शन में मैंने यूके वाले कुछ लड़कों के कमेंट देखे थे कि लव फ्रॉम यूके। मतलब ये बात मैं किसी जस्टिफिकेशन के लिए नहीं कर रहा हूं, मैं सिर्फ हिपोक्रेसी बता रहा हूं लोगों की कि एक सिलेक्टिव जगह पे आउटरीच करने का क्या मतलब होता है। आपको अंकिता भंडारी वाले केस के बारे में याद होगा, अगर नहीं है तो याद दिला दूं। एक लड़की थी जिसको रिसोर्ट में बुला के उसका मर्डर कर दिया जाता है, और मैं एक आर्टिकल डाल दूंगा, आप जाकर पूरा पढ़ सकते हैं। आज की डेट में उसके लिए जो आउटरेज चलना चाहिए था वो एकदम खत्म हो गया, और मैं लिख के दे रहा हूं जो लोग इस आउटरेज में थे भी ना, वो भी अब इस नाम को भूल चुके होंगे। तो मेरा पॉइंट यही है कि किसी स्टेटमेंट से अगर आप इतने ज्यादा ऑफेंड हो जाते हैं ना, तो पर्टिकुलर एक व्यक्ति के लिए नरेटिव मत रखो। अगर हो रहे हो तो सबके लिए ही हो, अदरवाइज इसको सिलेक्टिव आउटरेज ही कहा जाएगा, जैसे लेफ्टिस्ट और कम्युनिस्ट करते आ रहे हैं कि वो एक ही चीज को टारगेट करते हैं। अगर आउटरेज करना है तो सबके लिए करो। नाउ दूसरी बात, मैंने देखा सौरभ का जैसे ही स्टेटमेंट वायरल हुआ उसके पुतले जलाए जाने लगे, और मैंने देखा काफी लोग पोस्ट भी कर रहे थे कि सौरभ के अगेंस्ट प्रोटेस्ट हो रहा है भैया, उसके पुतले जलाए जा रहे हैं। देखो, बहुत अच्छे से समझाना चाहूंगा, आई डोंट नो तुम में से कितने लोग पॉलिटिक्स में एक्टिव हो, नहीं हो, अगर हो तो मुझे समझाने की जरूरत नहीं है। इन केस नहीं हो तो बताना चाहूंगा, ये कोई बड़ी बात नहीं होती भाई। देखो, जो इरिलेवेंट पार्टीज होती है ना, वो अपनी रिलेवेंसी बनाए रखने के लिए इस तरीके की हरकतें करते हुए दिखती हैं। अब मैं तुम्हें थोड़ा सा एग्जांपल के साथ समझाने की कोशिश करूंगा, जब जाकर तुम इस आर्टिकल को पूरा पढ़ोगे तो तुमको पता चलेगा कि सौरभ जोशी के जो पुतले जला रहे थे वो कौन से संगठन थे। जी हाँ, उस संगठन का नाम था शिवसेना। मंगलवार को हल्द्वानी के ब्लॉक ऑफिस के पास शिवसेना नेता मुकेश जोशी के नेतृत्व में लोगों ने यूट्यूबर सौरभ जोशी का पुतला दहन किया। शिवसेना उत्तराखंड में टोटल इरेलेवेंट पार्टी है, उत्तराखंड, यूपी, एमपी, इधर इसकी कोई रिलेवेंसी नहीं है। शिवसेना की रिलेवेंसी मैक्सिमम महाराष्ट्र में थी, आज की डेट में वो भी नहीं, क्योंकि शिंदे और उद्धव जी के बीच में जो भी चल रहा है लफड़ा उसके चक्कर में उनकी रिलेवेंसी वहां भी नहीं बची है। तो पॉइंट यही है गाइस, जिनको पॉलिटिक्स के बारे में ज्यादा नहीं पता, जो इरेलेवेंट पार्टी होती है वो अपनी रिलेवेंसी बचाने के लिए इस
तरीके के प्रोटेस्ट कर देती है। ये कोई बड़ी चीज नहीं है। ऑन सीरियस नोट, सौरभ के पुतले जल रहे हैं, हो सकता है मेरी इतनी क्लिप को डाल दे कोई ट्विटर पे, उसके बाद मेरे भी जलने लग जाए। तो जो इरेलेवेंट पार्टीज होती है ना, वो अपनी रिलेवेंसी बनाए रखने के लिए इस तरीके के प्रोटेस्ट करती है, इस तरीके के पुतले जलाती है, तो उसको ज्यादा सीरियस लेने की जरूरत नहीं है। ऐसा मत समझो बहुत ही बड़ी कॉन्ट्रोवर्सी हो गई है। हाँ, जिस दिन गवर्नमेंट, वहां की अथॉरिटीज या फिर वहां के जो एसपी डीएसपी आईजी वाईजी हैं, वो लोग इसके ऊपर स्टेटमेंट देंगे और कोई कानूनी कार्रवाई होगी, तो उस दिन तुम थोड़े से सीरियस होना। दूसरी बात, सौरभ का जो स्टेटमेंट है उसके साथ मैं खड़ा नहीं होता। जो उसने किया उसके लिए उसको हेट मिला, उसने अपोलॉजी मांगी, तो मेरे हिसाब से मैटर यहीं तक था। बाकी तुम्हारा क्या ओपिनियन है वो मुझे तुम कमेंट में बता सकते हो, ठीक है। खैर, ब्लॉगर्स की बात चल रही है तो मैं आज की डेट में सबसे ज्यादा पॉपुलर ब्लॉगर रॉबी राय के बारे में क्यों नहीं बात करूंगा। अभी मैं आपको रोबी राय की एक वीडियो दिखाने वाला हूँ, उसको देख लीजिए, उसके बाद मैं इनके बारे में विस्तृत चर्चा करूंगा आपसे, ठीक है। हाय बेस्टी, सो आज की वीडियो व्हाट आई ईट इन अ डे, बट ये थोड़ा सा अलग है बिकॉज आज मेरे पापा का श्राद्ध है जो कि हम हर साल करते हैं, तो आज हम सिर्फ एक मील ही खा सकते हैं जिसमें आप नमक और ऑयल एक बार खा सकते हो, बट आप बीच में मीठा खा सकते हो, कुछ भी पी सकते हो। देखो, अगर तुमसे कोई वन वर्ड में क्रिंज की डेफिनेशन पूछे ना, तो तुम वहाँ पर रोबी राय बोल के एक वर्ड में आंसर दे सकते हो, ठीक है। रोबी राय के ऊपर मैं ऑलरेडी एक वीडियो बना चुका हूँ जिसमें बता चुका हूँ कि ये कितनी क्रिंज है, और क्रिंज के नाम पे आई डोंट नो इसका इंटेंशन क्या था क्या नहीं था, कई बार ये लड़कों को टारगेट करते हुए दिखी है। गाइस बी लाइक, लड़कियों को बहुत टाइम लगता है रेडी होने में, लड़कियां मेकअप करने में बहुत टाइम लगाती है। तुझे टट्टी करने में 40 मिनट क्यों लगते हैं भाई? हाँ राहुल, ऐसा क्या करता है तू 40 मिनट? लास्ट ईयर इसकी काफी सारी कंट्रोवर्शियल वीडियोस आई थी जिसके ऊपर काफी सारे रोस्टर्स ने रिएक्ट किया था, इंक्लूडिंग मी। मैं सच में उससे बहुत प्यार करता हूँ, सच में, तो तू उसके लिए क्यों लॉयल नहीं है? बहन सच बताना, तूने अकल को क्वारंटाइन कर दिया या फिर अपने ह्यूमर पे लॉकडाउन लगा दिया है? बता। मैं नहीं बताऊंगा। उसमें भी इसने इसी तरीके की हरकतें करी थी, मतलब लड़कों को बेमतलब में टारगेट कर रही है, बेमतलब में उल्टा सीधा बोल रही है, मतलब कुल मिला के क्रिंज कॉन्टेंट बना रही थी। लेकिन अभी हाल ही में इसने जो कॉन्टेंट बनाया है ना, वो सीरियसली मेरे भी सर के ऊपर से चला गया। अलग है बिकॉज आज मेरे पापा का श्राद्ध है। देखो, आई नो सबके पर्सनल थॉट्स हो सकते हैं, उसके फादर है उसे मतलब होना चाहिए, हम ज्यादा उसमें हस्तक्षेप नहीं कर सकते। उसको अपने पापा का श्राद्ध का ब्लॉग बना के दिखाना है तुम लोगों को, तो उनकी ही मर्जी है, इसमें हम लोग कुछ भी नहीं कर सकते। लेकिन एक बात बताना चाहूंगा, किसी की भी डेथ या फिर श्राद्ध ना बहुत सेंसिटिव होती है, और अगर मैं इंटरनेट पे हूँ, एक पब्लिक प्लेस पे हूँ, और अगर मैं ऐसी चीज देखूंगा तो नो डाउट मुझे गुस्सा आएगा ही आएगा। रूबी द क्रिंज ब्लॉगर को अगर अपनी फैमिली से लगाव नहीं है, मुझे घंटा फर्क नहीं पड़ता, इनफैक्ट दुनिया में किसी को घंटा फर्क नहीं पड़ रहा उस चीज से। लेकिन रूबी मेरी बहन, इस बात को समझ, जब जब कोई इस तरीके का कॉन्टेंट देखेगा उसे चिड़ मचेगी, क्योंकि सबकी फीलिंग्स तेरी तरह नहीं होती है, लोग बहुत सेंसिटिव होते हैं इन सब मामलों में। लेकिन फिर भी मैं अपने इमोशंस को कंट्रोल करके ये कह सकता हूँ कि ये बहुत छोटे लेवल का कॉन्टेंट है। रोबी राय ने तो शायद, हो सकता है कोइंसिडेंटली कर दिया हो, सीरियसली इसको ना पता हो कि इसने क्या कमारपना करा, कोइंसिडेंटली हो गया। लेकिन मैं तुम्हें गारंटी दे रहा हूँ, आने वाले 2 साल के अंदर जिस हिसाब की ब्लॉगिंग आज की डेट में चल रही है इंटरनेट पे, बच्चा स्वागरात बेबी डिलीवरी ये जो दिखाना चाह रहे हैं ना, प्रेगनेंसी से लेके बच्चा होने तक, कोई बड़ी बात नहीं है, आने वाले टाइम पे दिखाने लग गए। गाइस, ये मेरे परदादा जी हैं, इनका इंतकाल हो गया है, इनका देहांत हो गया है, और देखिए गाइस ये बिल्कुल आईज ही नहीं खोल रहे हैं यार, आईज ही नहीं खोल रहे हैं, कोई बड़ी बात नहीं है, सीरियसली कोई बड़ी बात नहीं, आने वाले टाइम पे लोग ये भी दिखाएं और लोग उसके कमेंट में आरआईपी ओम शांति सो सैड फीलिंग सैड फॉर यू इस तरह कमेंट भर देंगे। इस चीज के लिए तैयार रहना, एकदम माइंड से तैयार रहना कि आने वाले टाइम पे तुम्हें श्राद्ध ब्लॉग के साथ साथ अंतिम संस्कार ब्लॉग, खारी उठाना ब्लॉग, कब्र की खुदाई, चर्च में होने वाली आखिरी प्रेयर, सब सब दिखने वाला है तुम्हें। तो भाई मेंटली तैयार रहना, ये ब्लॉगर सिर्फ अपने व्यूज के लिए और एक गंवार ऑडियंस को कुछ भी बेचने के लिए इस नंगाई पे भी उतर आएंगे, तो रेडी रहना, है ना। तो भाई यहां तक थी हमारे ब्लॉगर्स की बात, अब अपन चलते हैं स्ट्रीमर के बारे में। आज जितनी भी न्यूज है बेसिकली वो सारी की सारी YouTube रिलेटेड ही है। आई नो कि ट्रेंडिंग ऑफ दिस वीक पर हम थोड़ा सोशल टॉपिक भी उठाते हैं, लेकिन अभी ऐसे कुछ हुए नहीं। चीन वाला एक मुद्दा हुआ है तो मैं सोच रहा हूँ सेकंड चैनल पे उस बारे में कंटेंट डाल दूं, 15-20 मिनट का तो शायद मैं डाल दूं। तो बाकी इसमें जो हमने कंटेंट उठाया वो हमने यूट्यूबर्स का उठाया, तो अब एक और स्ट्रीमर के ऊपर चलते हैं। लेकिन उससे तो भैया, एक कोरियन स्ट्रीमर है जिनका नाम है म्योची, वो आजकल इंडिया घूमने आई है। जब वो मुंबई की सड़कों पर लाइव कर रही थी तभी दो लड़के आते हैं और उनको हरेश करने लगते हैं, म्योची को असॉल्ट करने की कोशिश करते हैं। तभी एक बंदा वहां पे आता है जो म्योची की लाइव को देख रहा होता है, वो म्योची को वहां से बचाता है, सेफली उसको उसके घर भिजवाता है, और उसके बाद अगले दिन वो म्योची से मिलता है, और उसके बाद का बहुत लंबा प्रोसीजर है, तुम जाकर उसके चैनल पे देख सकते हो। खैर, जब ये मामला हुआ लोगों ने काफी ज्यादा आउटरीच किया, नो डाउट भाई, मैं एज अ इंडियन मुझे भी बुरा लगेगा ये चीज देख के कि मेरी कंट्री में कोई बंदा आ रहा है फॉर टूरिज्म पर्पस, और उसके साथ अगर ऐसी घटना
घटना घटेगी तो नो डाउट मुझे बुरा लगेगा। और अगर आप भी थोड़े बहुत भी सेंसिटिव हैं तो आप जब जब ऐसी क्लिप्स को देखेंगे आपको गुस्सा आएगा, क्योंकि डेफिनेटली हमारे इंडिया का नाम खराब हो रहा है, तो सबको गुस्सा आएगा। सबने आउटरेज किया और उसके बाद जिन लड़कों ने इसको असॉल्ट किया था मियोची को, उसको पुलिस ने अरेस्ट कर लिया। तो भैया उसके बाद क्या हुआ, जैसे ये घटना घटी उसके बाद सिंपैथी का दौर चला, और होनी भी चाहिए। अगर तुम्हारे अंदर थोड़ी भी फीलिंग्स हैं, थोड़ी भी रिस्पेक्ट है अपने रिलेशन को लेकर, तो तुम्हारे अंदर सिंपैथी डेफिनेटली आएगी। अगर लड़की को लेकर तुम्हारे अंदर थोड़ी सी भी रिस्पेक्ट है तो नो डाउट सिंपैथी आएगी, और सबको इंक्लूडिंग मी, मैं अपनी भी बात कर रहा हूँ। जब मैंने उस क्लिप को देखा तो मुझे बहुत बुरा लगा उस लड़की के लिए भी और अपने नेशन के लिए भी। तो जैसे सिंपैथी का दौर चला काफी ज्यादा आउटरेज हुआ, इतना ज्यादा आउटरेज हो गया कि एनडीटीवी और न्यूयॉर्क टाइम्स जैसे भैया आर्टिकल छापने बैठ गए हमारे ऊपर, और उन सारे आर्टिकल्स को मियोची भैया इवेंट की तरह, जैसा होता है ना सेंसलाइजेशन करना, वैसा करके उन आर्टिकल्स को कंटिन्यू शेयर कर रही थी। जैसे मियोची का ये बिहेवियर, ये क्लाउड चेस करने वाला, सबको इरिटेटिंग लगने लग गया या समझ में आने लग गया, लोग अपने अपने हिसाब से उसके ऊपर रिएक्शन देने लग गए। लाइक लक्ष्य ने उसके ऊपर रिएक्शन दिया, मैक्सचन ने उसके ऊपर रिएक्शन दिया, इंक्लूडिंग सम्राट भाई, इनने भी उसके ऊपर रिएक्शन दिया। उसके बाद क्या हुआ, मियोची ने भैया सबको ब्लॉक करना शुरू कर दिया। पहले मैक्सटन को करा, लक्ष्य को करा, मुझे भी कर दिया। अब आई नो तुम लोग यही पूछोगे कि इससे हमारा क्या या उसका क्या। देखो भाई, सिंपैथी होना बहुत अच्छी बात है, बहुत अच्छी बात है, सिंपैथी होना चाहिए, ये हमारी जरूरत है। अगर हम नहीं होंगे तो नो डाउट बहुत सारी गलत चीजें होने लग जाएंगी सोसाइटी में। सिंपैथी बहुत जरूरी है, इमोशनल होना बहुत जरूरी, लेकिन इमोशनल होने का मतलब ये तो नहीं होता ना किसी को भी सब्सक्राइब करने लग जाओ। सपोर्ट करो मियोची को, समझ आता है कि जहां उसके साथ गलत हुआ तुम ट्विटर ट्रेंड चलाओ, पुलिस के ऊपर प्रेशर बनाओ, जो कर सकते हो वो करो लीगली, लेकिन सब्सक्राइब क्यों करने लग जाते हो भाई। मियोची के चैनल पे 5 वीडियो है टोटल, उनमें से एक वही मोलेस वाली लाइव है, उसके बाद वो लड़का बचाने आया वो है, और इन 2 वीडियो से उसके सीधे 1.5 लाख सब्सक्राइबर हो जाते। क्या देख रहे हो कंटेंट में, सीरियसली अगर ये कंट्रोवर्सी नहीं होती ना तो तुम जानते भी नहीं उसका नाम, और अगर तुम इस कंट्रोवर्सी के बाद उसका नाम जान रहे हो, उसके कंटेंट को देख रहे हो, कोई दिक्कत परेशानी नहीं है, लेकिन तुम उसके कंटेंट को सिर्फ इसलिए देख रहे हो कि उसके साथ गलत हुआ, तो बेवकूफ तुम हो मेरी जान। आज से कुछ साल पहले एक गाना आया था करी पुलिस ऐसा कुछ करके, मैंने उसके ऊपर एक रिएक्शन वीडियो बनाया था। उस गाने में जो जो मेन किरदार थे उनमें से एक बंदा था कोहे करके, शायद उसका अगर मैं नाम गलत ले रहा हूं तो सॉरी। ये करी पुलिस गाना आने से पहले ये कोहे नाम का जो बंदा था, ये इंडिया के सपोर्ट में वीडियो बनाता था, मतलब इंडियन लैंग्वेज के बारे में, हिंदी में बात करता था, इंडियन कल्चर के बारे में बात करता था। और जैसे ये गाना आउट हुआ, ये उस गाने में दिखा, सबको दिखा, उसके बाद काफी लोग ट्रिगर्ड हो गए कि यार ये कैसे कर सकता है, दिन रात इंडिया के नाम पे भैया ये चल रहा है, इंडियन लैंग्वेज में बात कर रहा है, और एकदम से इंडिया के अगेंस्ट ही ऐसी बात बना दी या वीडियो बना दी। उसके बाद लोगों को रियलाइज हुआ, या फिर बोला जाए तो हमने उन्हें रियलाइज कराया कि तुम्हारे कॉन्टेंट के बारे में अगर कोई बात कर रहा है, तुम्हारे कल्चर के बारे में अगर कोई बात कर रहा है, तुम्हारी लैंग्वेज के बारे में अगर कोई बात कर रहा है बाहर बैठा हुआ बंदा, तो वो तुमसे या तुम्हारे कल्चर से प्यार नहीं करता, वो तुम्हारी ऑडियंस से प्यार करता है। आई बात समझ में? कोहे वाले केस में लोगों को समझ में आ गया था, शायद ये मियोची वाले में भी आ जाए। तो पॉइंट इज दैट, दिमाग में बैठा लो इस चीज को, जितने भी लोग हैं जो तुम्हारे कल्चर के बारे में बात करते हैं, स्पेशली यूट्यूबर्स, वो डायरेक्टली या फिर इनडायरेक्टली तुम्हें सपोर्ट या प्रमोट नहीं करते, वो चाहते हैं सिर्फ तुम्हारी ऑडियंस, दैट्स इट। अगर बात समझ में आ गई हो तो ठीक है, अदरवाइज कोई बात नहीं, जाओ मियोची को सब्सक्राइब करो, सुपर चैट करो, भाई बढ़िया कंटेंट क्रिएटर है यार। गाइस सॉरी आउट्रो नहीं दे पाए क्योंकि लाइट चली गई थी आउट्रो करते करते ही, एंड मैं नहीं चाह रहा था कि एक इंपॉर्टेंट चीज मिस हो जाए, इसलिए वीडियो के एंड में हम इस चीज को डाल देते हैं। तो बोलो मेरे साथ